दस क्वेश्चन है, 15 मिनट का टाइम है। अगेन दोस्तों एक वन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, आर यू अलाउड टू मेक ए यू टर्न अलॉन्ग द स्पेसिफाइड पाथ इफ द विड्थ ऑफ द कैरिज इज नॉट इनफ टू मेक ए यू टर्न फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशंस। नंबर वन परमिटेड, नंबर टू फॉरबिडन, मना है या इजाज़त है? परमिटेड है, इजाज़त है। दोस्तों हम एक रोड के ऊपर मौजूद हैं तो हम यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन पूरा यू टर्न शायद ना भी ले पाएँ, लेकिन दोस्तों आप इस सूरत के अंदर इस जगह के ऊपर आप यू टर्न अपने गाड़ी का ले सकते हैं, लेकिन ध्यान करें कि सामने से और पीछे से गाड़ी ना मौजूद हो, दोनों तरफ देखने के बाद आप यू टर्न ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द ड्राइवर नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स बाय स्टार्टिंग ओवरटेकिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द ड्राइवर नॉट वायलेट, उसने रूल को वायलेट नहीं किया, द ट्रैफिक रूल्स बाय स्टार्टिंग ओवरटेकिंग लेते हुए। इफ द ड्राइवर ऑफ व्हीकल मूविंग अहेड इन द सेम लेन हैज़ गिविंग द लेफ्ट टर्न सिग्नल्स, ए बाई हिज एक्शन द ड्राइवर फोर्सेज द ड्राइवर ऑफ ए ऑनकमिंग व्हीकल टू पुल ओवर टू द साइड। बाई हिज एक्शन द ड्राइवर फोर्सेज द ड्राइवर ऑफ व्हीकल मूविंग अहेड इन द सेम लेन टू पुल ओवर। नंबर फोर, द ड्राइवर विल वायलेट द ट्रैफिक रूल्स इन ऑल ऑफ द अबव केसेस। ये तीनों जो केसेस हैं इनके ड्राइवर जो होता है वो वायलेट कर रहा है ट्रैफिक रूल्स को जब वो ओवरटेक करना चाहता है गाड़ी को। नंबर वन, इज़ इट अलाउड टू चेंज लेन एट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पे आप गाड़ी को चेंज लेन जो होती है वो चेंज कर सकते हैं। नंबर वन परमिटेड इफ़ द इंटरसेक्शन इज़ इन रेजिडेंशियल एरिया। दोस्तों आपको इंटरसेक्शन का तो पता है ना, इंटरसेक्शन का पता होना चाहिए कि जब रोड इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आपको चेक करनी होगी। नंबर टू, अलाउड वैन आउट रनिंग ए स्लो मूविंग व्हीकल। नंबर थ्री, अलाउड एन इंटरसेक्शन वैन राउंड अबाउट आर ऑर्गेनाइज। नंबर फोर, परमिटेड इन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों आपको याद रखना होगा जब राउंड अबाउट ऑर्गेनाइज होता है तब उस इंटरसेक्शन में आप जो होता है एक लेन दूसरी लेन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन द सिचुएशन शोन इन ऑर्डर टू कंटिन्यू स्ट्रेट हेड आर यू अलाउड। आप बिल्कुल सीधा की तरफ जाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आपके सामने जो गाड़ी है वो लेफ्ट तरफ की मुड़ना चाहती है तो आपको वेट करना होगा। नंबर वन, ड्राइव अराउंड द कार इन द राइट मोस्ट लेन। नंबर टू, कंटिन्यू ड्राइविंग ओनली आफ्टर द कार मेक्स ए लेफ्ट टर्न। नंबर थ्री, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्शन आर परमिटेड, कंटिन्यू ड्राइविंग ओनली आफ्टर द कार मेक्स ए लेफ्ट टर्न। जब गाड़ी लेफ्ट टर्न ले लेगी तो तब आपको जो है सीधे जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड दैट व्हीकल आर अलाउड टू ट्रैवल विद इन द कवरेज एरिया ऑफ द रोड सोन शाइन्स। मैक्सिमम स्पीड कौन सी होनी चाहिए? दोस्तों ये एक सिटी का नाम लिखा हुआ है और इसके अंदर शहर के अंदर गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम स्पीड तो दोस्तों उसकी स्पीड जो होती है वो 60 होनी चाहिए। शहर के अंदर जो है वो गाड़ी की स्पीड जो होती है वो 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए दोस्तों, ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद वट मैक्सिमम स्पीड आर यू अलाउड टू कंटिन्यू ड्राइविंग बिहाइंड द रोड साइन इन द पैसेंजर कार इन द शोन सिचुएशन आउटसाइड द बिल्टअप एरिया। मोटरवे है और उसके ऊपर आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, दोबारा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। विद वट मैक्सिमम स्पीड आर यू अलाउड टू कंटिन्यू ड्राइविंग बिहाइंड द रोड साइंस इस रोड साइन के पीछे इन द पैसेंजर कार इन शोन सिचुएशन आउटसाइड द बिल्टअप एरिया। 110 किलोमीटर होनी चाहिए क्योंकि मोटरवे है, मोटरवे के ऊपर आपको पता है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर यू अलाउड टू मेक ए यू टर्न इन द शोन सिचुएशन स्टॉपिंग पॉइंट ऑफ ए रूट व्हीकल। एक बस स्टॉप है, रूट व्हीकल यहाँ पे बसें आके रुकती हैं और आप यहाँ पे यू टर्न ले सकते हैं नहीं ले सकते। नंबर वन परमिटेड, नंबर टू परमिटेड इफ नो ऑब्स्टिकल इज क्रिएटेड फॉर द मूवमेंट ऑफ रूट व्हीकल। नंबर थ्री प्रोहिबिटेड, तो प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है। इन द सिचुएशन शोन द हैजर्ड वार्निंग लाइट्स शुड बी ऑन। दोस्तों एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टोव्ड किया हुआ है और यहाँ पर स्पीड जो होनी चाहिए वो 50 होनी चाहिए, ये आपको याद रखना होगा। और एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टोव्ड किया गया है तो किस गाड़ी के ऊपर जो हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स होती हैं वो ऑन होनी चाहिए। नंबर वन बाई ए ब्लू कार्स, नंबर टू ऑन ए वाइट कार, ऑन बोथ कार, दोनों कारों पे। नंबर वन ओनली ए ब्लू कार, ब्लू कार के ऊपर, क्योंकि ब्लू कार जो होती है वो ख़राब गाड़ी है, इस वजह से उसके ऊपर हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स ऑन होनी चाहिए, वाइट गाड़ी उसको खींच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद वट मैक्सिमम स्पीड आर यू अलाउड टू कंटिन्यू ड्राइविंग ए पैसेंजर कार विद ए ट्रेलर बिहाइंड द रोड साइन इन द सिचुएशन शोन आउटसाइड द विलेज। आप गाँव के बाहर हो, आपको कौन सी स्पीड रखनी चाहिए, दोबारा पढ़ सकते हैं। विद वट मैक्सिमम स्पीड, कौन सी मैक्सिमम स्पीड आर यू अलाउड टू कंटिन्यू ड्राइविंग ए पैसेंजर कार, ये जो गाड़ी में आप बैठे हो, विद ए ट्रेलर, आपकी गाड़ी के पीछे ट्रेलर भी है, बिहाइंड द रोड साइन इन द सिचुएशन शोन आउटसाइड द विलेज। आउटसाइड द विलेज
बाहर की तरफ हो तो आपको 70 ही स्पीड रखनी चाहिए। 70, ये जो साइन लिखा हुआ 70, इसका ये मतलब नहीं है, अगर आपके गाड़ी के पीछे ट्रेलर ना होता जिसको आप गाड़ी गाड़ी को ट्रेलर के खींच रहे हो, गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे ट्रेलर है जिसको आप खींच रहे हो, अगर वो ना होता तो आप स्पीड गांव के बाहर बढ़ा सकते हो, 90 पे जा सकते हो, क्योंकि ये जो 70 साइन नज़र आ रहा है इसका मतलब है 70 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके बाद आप इसके ज़्यादा स्पीड जा सकते हो, 90 पे जा सकते हो। लेकिन दोस्तों आपकी गाड़ी के पीछे ट्रेलर है, इस वजह से आपकी स्पीड को जो है वो 70 ही रखना होगा। इज़ इट अलाउड टू पुश द लिस्टेड व्हीकल ऑन द कैरिज वे? आपको इजाज़त है पुश द लिस्टेड व्हीकल ऑन द कैरिज वे? रोड के ऊपर आप गाड़ी को जो है पुश कर सकते हो? नंबर वन, मोटरसाइकिल विदाउट ए साइड कार इज़ परमिटेड। पैसेंजर कार इज़ अलाउड फॉर ए पर्पज़ ऑफ ड्राइविंग इट आउट ऑफ द कैरिज वे, परमिटेड इन बोथ अबाउट प्रोहिबिटेड। दोनों ही सही हैं दोस्तों, जब मोटरसाइकिल को भी हम रोड के ऊपर जो है वो पुश कर सकते हैं, जब मोटरसाइकिल शायद ख़राब हो गया हो इस वजह से हम, या पेट्रोल ख़त्म हो गया हो, तो हम उसको पुश कर सकते हैं ताकि बाहर ले जा सकें, और पैसेंजर कार को भी कर सकते हैं, परमिटेड इन बोथ केसेस। दोस्तों 10 में से 10 क्वेश्चन सही है, हमने आज 6 मिनट का टाइम लिया है, मिलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।